सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग करने आया हूँ। ऑफिस के काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट आज जैसे तैसे टाइम निकाल के सोचा कि चलो आज व्लॉग शूट कर लिया जाए। सो आई होप कि आप सब सेफ हो, हेल्दी हो और ये कोरोना वोरोना से दूर रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो, सूरत में तो सब कुछ खुल चुका है और भीड़ भी काफ़ी है। लोग अब अपने काम में जाने लग गए हैं। लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब कब तक यार, कब तक घर पे बैठोगे। सो अभी एक कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ मिली थी, संडे को मिस्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। और बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी कि मतलब कोई इतना सक्सेसफुल, इतना अच्छा अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे थे और उन्होंने ऐसे ही अपनी जान दे दी। मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत बहुत बुरी चीज़ है और एक मतलब अपने कंट्री में ऐसा है कि डिप्रेशन और मेंटल इलनेस या मेंटल स्ट्रेस को है ना, हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो सबसे ख़राब चीज़ है। मतलब फिज़िकली अगर कुछ हो जाए तो हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, मतलब क्लिनिक्स चले जाते हैं कि हाँ उससे हम लोग छुटकारा मिल सके हमको। बट अगर कोई किसी को डिप्रेशन से जा रहा हो, मेंटल स्ट्रेस से अगर कोई गुजर रहा हो, तो उसके बारे में ना अपने घर वालों से बताने में भी लोग कतराते हैं यार, कि कोई मुझे पागल ना बोल दे। ये जो मेंटालिटी है ना लोगों की कि यार मेंटल स्ट्रेस है तो लोग उसको मतलब पागल घोषित कर देते हैं कि हाँ मतलब इसको कुछ दिमागी संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है। बट वो चीज़ नहीं होती यार, इसको भी अगर हम लोग ढंग से देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका एक अच्छा उपाय यही है कि यार हम लोग फ्रेंड से, फैमिली से बात कर सके, उनसे शेयर कर सके। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर पाते अपने फैमिली से कि यार मैं ऐसा कुछ बोल दूँ, रिलेशनशिप ले लो या चाहे जो मर्ज़ी ले लो, हम लोग नहीं बता पाते कि यार मैं ब्रेकअप से गो थ्रू हो रहा हूँ या टॉक्सिक रिलेशन से गो थ्रू हो रहा हूँ। तब यार फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हाँ हम लोग फ्रेंड से बात कर सके। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रेंड से ही बात नहीं कर पाते हैं। तो एक किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था मैं, तो वहाँ पर बताया गया था कि अगर आपको ऐसा है कि आप फैमिली से नहीं बात कर सकते या आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, तो राइट इट डाउन। मतलब एक अच्छा तरीका ये है कि आप अगर आपका कुछ भी मेंटल इशू हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं ये प्रॉब्लम से कैसे, अंदर ही अंदर खोखले होने से अच्छा है कि आप उसको किताब में उतार दो, लिख दो उसको यार, एक बार लिख दोगे और रो दो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये अगर आप ऐसा कर दोगे तो एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ ठीक है, हो गया ये ख़त्म। और देखो भाई, मतलब चाहे जितना मर्ज़ी स्ट्रेस हो, जितना मर्ज़ी आपको प्रॉब्लम हो, जितनी मर्ज़ी इश्यूज़ हो, देखो लाइफ का दूसरा नाम इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उससे अगर हार के अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि यार हो गया बस, इससे अब मैं नहीं झेल पाऊँगा या इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, सो हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, सुसाइड कभी भी कोई ऑप्शन नहीं है। सुसाइड कर दोगे तो यार आप तो अपनी जान ले लोगे, बट आपके साथ आपके जो क्लोज वंस होंगे, आपकी फैमिली होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, वो हर रोज़ मरेंगे उस चक्कर में, ये सोच सोच के कि यार ऐसा तो क्या था जो वो मेरे से शेयर नहीं कर पाए। वो इतना उनको खा जाएगी ना कि यार वो जीते जी मर जाएंगे। सो कभी भी सुसाइड के बारे में तो कभी नहीं सोचना चाहिए यार, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। हर टाइम, हर जो वक्त गुजर रहा है वो कभी सेम नहीं रहता है। कभी किसी का अच्छा है तो बुरा भी आएगा, अब बुरा है तो ऐसा मत सोचो कि बुरा ही रहेगा, वो अच्छा हो जाएगा। बस टाइम दो यार, हर चीज़ को टाइम दो।
अगर यही सोच के हम लोग सोच के बैठ जाएंगे कि यार अभी बुरा वक्त चल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं तो हार गया, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मुझे कोई बुला नहीं रहा है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, सब चला जाएगा, सब एक दिन सब चला जाएगा, अच्छे दिन सबके आते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, सबसे बुरी चीज़ वही होती है। कभी भी इंस्टेंट रिएक्ट मत करो किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपने इंस्टेंट रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना, ना मैं सिर्फ अपना उसमें वो नहीं बोल रहा हूँ कि सुसाइड ही कर लेते लोग, इंस्टेंट रिएक्शन हर चीज़ में गलत होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया और इंस्टेंट रिएक्शन उस टाइम भी जो आता है ना, सबसे गलत होता है। कि बात करते करते दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाए, तो रिश्तों में भी बहुत दरारें आ जाती है इंस्टेंट रिएक्शन के चक्कर में। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली। सो नेवरदलेस लेट्स प्रे कि सुशांत की फैमिली के साथ अभी भगवान रहे, उनको हिम्मत दे और उनका ये मुश्किल टाइम है वो गुजर जाए। कभी भुला तो नहीं पाएंगे, बट स्टिल लेट्स प्रे फॉर देयर फैमिलीज एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सिग्नल खोला बट उसका सिग्नल दिख ही नहीं रहा था, हद है यार। एक तो सिग्नल देख नहीं रहा है, ऊपर से ट्रिपल सेट। देखो ना तो हेलमेट और ऊपर से एक हाथ में फोन। पता नहीं कि ये क्या कूल समझते हैं क्या ये सब चीजें, समझ नहीं आता मेरे को। ये कान में ईयरफोन्स, हाथ में फोन और टशनबाजी। आंटी यहाँ से क्रॉस नहीं करना होता। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। सो गुड बाय, टेक केयर एंड एज यूजुअल स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड राइड सेफ। बाय बाय। Thank you.